सो हे गाइस, आई एम सचिन और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो A53 स्मार्टफोन की। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस फोन की और फर्स्ट लुक के बारे में जानेंगे और उसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है हमारे स्मार्टफोन का बॉक्स। अगर बॉक्स के हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 4GB रैम और 64GB इंटरनल, जो कि मेरे पास इस वेरिएंट पे अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको ओप्पो की ब्रांडिंग दिख जाएगी, ठीक है। अगर बॉक्स के लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको ओप्पो की ब्रांडिंग दिख जाएगी और इसके कोई स्पॉन्सर ICC क्रिकेट ये भी आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। बॉक्स के राइट साइड भी यहाँ पे सेम हमें चीज़ देखने को मिल जाएगा। अगर बॉक्स के ऊपर की तरफ की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ हाईलाइटेड फीचर्स दिए हैं। यहाँ पे फोन का मॉडल नंबर लिखा है, ठीक है। कलर जो अवेलेबल है मेरे पास वो है फ्लेरी व्हाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रैम 4GB है और रोम 64GB है। सो गाइस, ये हो गई बॉक्स के बारे में। अब हम इस फोन को अनबॉक्सिंग करते हैं और फोन के फर्स्ट लुक को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम फोन को ओपन करते हैं। जी हाँ, फाइनली फोन यहाँ पे निकल चुका है। हम इसको यहाँ पे साइड में रखते हैं, इसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसमें से उठाते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन दिखेगा वो फ़ोन का दिखेगा, ठीक है। तो हम इसे साइड में करते हैं और यहाँ से हम फ़ोन को उठाते हैं और फ़ोन को साइड में रखते हैं, ठीक है। तो ये है फाइनली फ़ोन हमारा, जो कि आप देख सकते हो कि फ्लेरी व्हाइट कलर में अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। तो हम फ़ोन को साइड में रखते हैं। यहाँ पे हमें एक बॉक्स मिल रहा है, जो कि आपको पता है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें ओप्पो की तरफ से एक ट्रांसपेरेंट कवर मिलेगा, ठीक है। जी हाँ, यहाँ पर हमें एक कवर मिल रहा है ट्रांसपेरेंट। यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क, इसको साइड में रखते हैं। और यहाँ पे आप कवर देख सकते हो, जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल कवर है। ओप्पो की तरफ से हमें कवर मिलता है, ठीक है। और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कवर है, तो इसे भी हम साइड में रखते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई, और यहाँ पे बॉक्स के जस्ट नीचे हमें यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल मिला है, जिसकी वजह से आप यहाँ से फ़ोन में से सिम कार्ड को लगा सकते हो, ठीक है। तो इसे हम साइड में करते हैं। बॉक्स में हमें यहाँ पे एक 18 वाट का फास्ट चार्जिंग दिख जाएगा, ठीक है। तो हम इसे चार्जिंग को निकालते हैं। और यहाँ पर जो चार्जिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो चार्जिंग है हमें 18 वोल्ट का मिल रहा है। सो गाइस, ये है पावर अडेप्टर, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। ये फ़ोन को फास्ट चार्जिंग कर देगा और इसका जो वॉट है वो 18 वोल्ट का है, ठीक है। तो ये है पावर अडेप्टर हमारे इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए। तो हम इसे भी साइड में रखते हैं। और यहाँ पर हमें केबल मिल रहा है, जो कि केबल देखिए कौन सी टाइप के सी केबल मिल रहा है। जी हाँ, हमें यहाँ पर टाइप सी केबल मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो केबल मिल रहा है इस फ़ोन के अंदर वो टाइप सी है, जो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। और बस बॉक्स में हमें इतना ही कंटेंट मिला, यहाँ पे एयरफोन हमें नहीं मिला है। तो बॉक्स को सबको साइड में रखते हैं और मेन फ़ोन के बारे में जानते हैं। सो गाइस, फाइनली फ़ोन हमारे हाथ में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो और फ़ोन काफ़ी लाइट वेट लग रहा है। यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें 90Hz का नियोज डिस्प्ले मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा है वो 60MP का है और A1 सेल्फी कैमरा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो बैटरी कैपेसिटी है वो 5000mAh की बैटरी है। और लिटरली मैं आपको बताऊँ गाइस, तो फ़ोन काफ़ी हल्का है, ठीक है। और ग्रिप में भी काफ़ी अच्छी तरीके से आ रहा है। और फ़ोन की वेट की बात करें तो यहाँ पे हमें फ़ोन का वेट है वो 180 ग्राम है, ठीक है। तो हम इस फ़ोन के ऊपर से रैप को हटाते हैं और फ़ोन को आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पे इस फ़ोन का कलर को देख सकते हो, जो वाइट कलर है, काफ़ी कूल सा लग रहा है गाइस, सच में ये कलर हमें। सो गाइस, यहाँ पे राइट के साइड हमें पावर बटन मिल जाएगा। लेफ्ट साइड की बात करें, यहाँ पे हमें सिम ट्रे दिख रहा है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ से हम सिम कार्ड को निकालते हैं और देखते हैं कि हमें सिम स्लॉट कैसा मिलता है, ठीक है। इस यहाँ पे अभी जो हमें सिम कार्ड मिल रहा है वो हम यहाँ पे हम दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। और फोन की अगर ऊपर साइड की बात करो तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बॉटम की साइड की बात करो तो यहाँ पे 3.5mm का जैक मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें वॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाएगा, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ पे हमें स्पीकर ग्रिल मिल जाएगा। और गाइस, बैक साइड की बात करो तो यहाँ पे हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिख जाएगा। और यहाँ पे हमें एक फ्लैश लाइट है, और बीच में जो ये सर्कल दिखाई दे रहा है ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ठीक है। फोन को सेट करते हैं और आपको बताते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमें ओप्पो का लेटेस्ट अपडेट कलर OS 7 यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और आपको फ़ोन को ओवरव्यू के बारे में दिखाते हैं।
सो गाइस आप देख सकते हो कि फ़ोन यहाँ पे ऑन हो चुका है। और डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे हमें HD डिस्प्ले दिखता है। मैं आपको यहाँ पे ब्राइटनेस को पूरा फुल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने ब्राइटनेस को फुल किया और यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइस आप यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी देख सकते हो, यहाँ पे हमें HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे हमें पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमें 90Hz का डिस्प्ले मिल रहा है। इसके वजह से आपको जो टचिंग एक्सपीरियंस है वो आपको पता चल जाएगा। जब आप फोन को यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि 90Hz क्या होता है, ठीक है। तो गाइस हम इस फोन को इस कवर में फिट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने फ़ोन पे कवर को लगा दिया है। हाथ में ग्रिपिंग काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम साइज़ है फ़ोन का और फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। और डिस्प्ले की क्वालिटी तो वहाँ पे बहुत बेहतर मिल रहा है। और यहाँ पे हमें लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो। सो ये फ़ोन एंड्रॉयड 10 इस फ़ोन को काफ़ी और स्मूथ बनाता है। तो गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर ऑफ ऑल। जय हिंद।